अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि घर पे पनीर कैसे बनाएं। ये बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से घर पर आसानी से बन जाता है। तो अगर से आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है, यहाँ पर हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है। अब इसे एक बॉयल आने तक गर्म करेंगे। अब ये गर्म हो चुका है, हम इसमें 2 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर नींबू का रस भी ले सकते हैं। विनेगर ऐड करते ही ये फटने लगेगा तो हम इसे 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे। इसको हिलाएंगे नहीं, इस तरह से ढक के रख देंगे तो 2 मिनट में इस तरह से ये फट जाएगा। अब हम इसे एक मलमल के कपड़े में छान लेंगे। यहाँ पर हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसके ऊपर कपड़े को इस तरह से बिछा देंगे और सारे दूध को हम इसमें छान लेंगे। अब हम एक बार ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेंगे ताकि जो भी इसका विनेगर का टेस्ट है वो सब निकल जाए। इसको हाथों से खूब अच्छी तरह से दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे। और जो इसका पानी हम निकाल रहे हैं छान के, उसको भी आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं आटा गूंदने में या चावल पकाने में, ये बहुत ही फायदे का रहता है। हम अब इसको 1 घंटे के लिए इस तरह रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें एक गांठ लगाकर इसको कहीं पर टांग भी सकते हैं। इस तरह से एक गांठ लगाएं और कहीं पे भी इसको टांग दें तो जिसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अब 1 घंटे इसको इस तरह से रखने के बाद जब इसका सारा पानी निकल जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर किसी भी भारी बर्तन को रख देंगे। इस तरह से फ्लैट हो जाएगा और 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दें। जब 1 घंटा हो जाएगा तब हम इस पनीर को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से पनीर बनके रेडी है। आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में इसी तरह से रख दें और जब आपको जरूरत हो तब इसके क्यूब्स कट कर लें। इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट सा पनीर घर में बनके बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है। तो आप इसको पनीर की सब्जी या पनीर पकौड़ियाँ किसी भी चीज में यूज करें और फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। तो अब आप भी इस तरह से पनीर को बनाइए और स्टोर करके फ्रिज में रखिए। तो जब भी कुछ पनीर के रिलेटेड रेसिपी बनाने का मन करे तो उसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।